हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले फ्रेंड प्लीज़। सो फ्रेंड, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। बस बात में, जैसा कि आपने देखा था कि जो हमारी राधिका होती है उसको सीनियरों ने ऐसे ही रूम में लॉक किया होते हैं। वो बोलती हैं कि जब तक तुम हमारी बात नहीं मानोगे हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले हैं। और जो हमारी राधिका होती है वो बोलती है मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगी, और उनकी बात नहीं मानते। और सीनियर फिर से उसको उधर ही लॉक करके वहाँ से चले जाती हैं। फिर उससे ही जो हमारी कविता है वो जो राधिका है उसको ढूंढने लग जाती है। फिर उसको पैसे ही शक होने लग जाते हैं कि हमारी कविता होती है, उसको याद आते हैं कि यार इन लोगों ने तो उसको मतलब अगवा नहीं किया हुआ, इन लोगों ने तो उसको अपने कैद में नहीं रखा हुआ ना। वैसे ही जो हमारी कविता है उसको ऐसे ही शक होने लग जाते हैं। फिर जो हमारी कविता होती है वो ऐसे ही सीनियरों का साथ हाथ मिला लेती है, उनकी बातें सुनने लग जाती है। जो हमारी कविता होती है वो बोलती है यार एक बार मुझे पता चल जाए ना, अगर इनके पास हो गई तो मैं इन लोगों को छोड़ने वाली नहीं हूँ यार। एक बार बस मुझे पता चल जाए कि वो लड़की कहाँ है, इनके पास तो नहीं, अगर इनके पास हुई तो इन लोगों को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता होती है वो ऐसे ही मन मन में सोच रही होती है। और एक सीनियर फिर से उसको बुलाते बोलते है इधर आ। फिर जो हमारी कविता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है, लेकिन फिर भी वो उनकी बात सुन रही होती है, उनकी हर बात मान रही होती है। ऐसे ही जो हमारी कविता होती है वो उनकी सारी बातें मानती हैं। फिर वो जो हमारी वो दूसरी सीनियर होती है वो ऐसे ही हमारी कविता को काम बोलती है, और जो हमारी कविता होती है वो सारा काम करके फिर से अपने रूम में आ जाती है। और रूम आने के बाद वो यही सोच रही थी यार ये लड़कियाँ कब मुझे उससे मिलाएंगी, कब लेके जाएंगी यार, मुझे थोड़ा और वेट करना होगा, मैं क्या करूँ यार, मैं नहीं छोड़ने वाली इन लोगों को। फिर ऐसे जो हमारी कविता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। फिर ऐसे उसकी मम्मी की कॉल आ जाती है। फिर जो हमारी कविता होती है वो बोलती है यार कूल डाउन हो जाओ कविता, कूल डाउन हो जाओ, मम्मी से बात कर लो नहीं तो मम्मी समझ जाएंगी। फिर जो हमारी कविता थी ऐसे ही खुद को कूल डाउन करती है और अपनी मम्मी की कॉल उठा लेती है। उसकी मम्मी बोलते हैं क्या बेटा इतना टाइम लगा देते हो कॉल उठाने में, किधर थी तुम? हमारी कविता होती है बोलती कुछ नहीं मम्मा, वैसे ही वॉशरूम में थी ना, फ्रेशन अप हो रही थी, इस वजह से थोड़ा लेट हो गई। फिर जो हमारी कविता होती है वो ऐसा बोलती अपनी मम्मी को। उसकी मम्मी बोलती ओके बेटा और बताओ कॉलेज अच्छा चल रहा है ना? उसके बाद जो हमारी कविता बोलती है हाँ मम्मा बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता और उसकी मम्मी होती है ऐसे ही थोड़ी देर बात करते हैं। फिर उसके बाद जो कविता होती बोलती ओके मम्मा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे थोड़ा काम है ओके ना। उसकी मम्मी बोलती है ओके बेटा तुम कर लो, जब फ्री होगी मुझसे कॉल पे बात कर लेना। जो हमारी कविता बोलती है ओके मम्मी सही है। उसके बाद जो हमारी कविता होती है वो फिर से फ़ोन रख लेती है और फिर से उस लड़की के बारे में सोचना स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही सोचते बोलते हैं यार कहाँ चली गई। फिर एक पल में उसको याद आता है कि यार ये तो वही लड़की है ना जिसने मुझसे झगड़ा किया, जिसकी वजह से मुझे पूरी क्लास में पनिश होना पड़ा, ये वो मतलब सब बहुत कुछ सोचते ना। फिर बोलते यार कुछ नहीं होती, मुझे हेल्प करनी चाहिए, अगर वो मुसीबत में है तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। फिर एक मन में वो सोचती यार क्यों मुझे उसके लिए ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, क्यों यार क्या हो रही है मेरे साथ। फिर उसके बाद जो हमारी कविता बोलती है बस छोड़ो यार, बस मुझे उस लड़की को बचाना है किसी तरह भी। फिर जो हमारी कविता होती है ऐसे ही लेट जाती है, वो फिर ऐसे ही थोड़ी देर सो जाती है। फिर से उसकी उसके रूम में एक सीनियर आती है, बोलती है ए उठे क्यों तू यहाँ पे सो रही है, चल हमारे साथ। उसके बाद जो हमारी कविता थी वैसे ही डर के उठ जाती, बोलती क्या हुआ कौन है? उसके बाद एक सीनियर बोलते मैं हूँ चल, तो ये दूसरी सीनियर बुला रही है जल्दी चल तो तुम तक काम है। फिर कविता बोलते हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, फ्रेशन अप होके आ रही हूँ, आप जाओ। उसके बाद जो वहाँ पे सीनियर तो बोलते जल्दी आओ। उसके बाद जो हमारी कविता बोलते हैं हाँ हाँ आप जाओ मैं एक मिनट में आ रही हूँ। फिर ऐसे जो हमारी कविता होती है वो जल्दी जल्दी फ्रेशन अप होके एकदम से चल जाती है सीनियर के पास। वहाँ पे जाते ही बहुत सारे सीनियर खड़े होते हैं। एक सीनियर आके कविता को बोलती है कि अगर तूने हमारा काम कर लिया तो हम तुम्हें अपने ग्रुप में ले लेंगे, और तू भी हमारी तरह सबको रिंगिंग कर सकती है, जो तेरा मन करे तो हर किसी के साथ कर सकती है, बस तूने हमारा एक काम करना है। उसके बाद जो हमारी कविता तो बोली हाँ हाँ बोले मुझे क्या करना होगा। उसके बाद जो हमारी कविता होती है वो ऐसा बोलती है और सीनियर बोलती है कि चलो हम तुम्हें कहीं पर लेके चलते हैं, अगर तुमने कर लिया तो फिर तुम्हें हम अपने साथ रख लेंगे। उसके बाद जो हमारी कविता बोलती कहाँ लेके जा रहे हो आप लोग मुझे, उसके बाद जो हमारी कविता होती है वो इस तरह बोल रही होती है। फिर जो हमारी कविता थी वैसे ही डरते डरते चल रही होती है। एक सीनियर बोलती है क्या है तेज जल्दी जल्दी चलो ना, क्या स्लो स्लो चल रही हो? उसके बाद जो हमारी कविता बोलती है हाँ हाँ मैं चल रही हूँ चलें आप। फिर ऐसे जो हमारी कविता है उसको भी अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रही होती है,
लेकिन जो हमारी कविता होती है वो तो मतलब किसी से भी नहीं डरती है। हमारी जो कविता होती है वैसे ही सीनियर का साथ चली जाती है, और जो हमारी कविता देखती है कि वो वही रूम होते हैं जिसमें वो आई होती है, उसमें ताला लगा होता है। फिर से वो सोचती है कि यार इन लोगों ने यहाँ पे मुझे क्यों लेके, कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही है। उसके बाद जो हमारी कविता है वो ऐसे ही रूम के बाहर खड़ी हो जाती है। एक सीनियर बोलते हैं चलो क्या सोच रही हो, चलो रूम पे। फिर ऐसे जो हमारी कविता बोलते हैं हाँ हाँ चल रही हूँ। फिर ऐसे ही जब कविता अंदर जाती है तो पूरे रूम में बहुत ज़्यादा अंधेरी होती है। फिर कविता बोलते हैं ये इतना अंधेरा क्यों है, लाइट उनको। उसके बाद एक सीनियर बोलते हैं हाँ हाँ कर रहे हैं। फिर ऐसे ही एक जो सीनियर होते हैं वो लाइट को ऑन कर देती है, तो वहाँ पे जो हमारी कविता थी वैसे ही देख पूरे रूम देखती है, और देखती है कि एक लड़की को इन लोगों ने बांध के रखा हुआ है, मतलब उसकी पीठ दिख रही होती है और हमारी कविता को मतलब उसका फेस नहीं दिख रहा होता। फिर उसके बाद एक सीनियर बोलते हैं अगर तूने इसको मतलब मना लिया, इसने हमारी बात मान ली, तो तुझे हम अपने ग्रुप में ले सकते हैं, तू कुछ भी कर बट इसको मनाना पड़ेगा तूने। फिर जो हमारी कविता होती है वो बोलती है ओके मैं करूँगी। तो हमारी कविता होती है वो फिर ऐसे ही डरते डरते उस लड़की के पास जाती है, बोलती है गॉड गॉड कहीं ये वही तो नहीं हो, वही लड़की हो, वो लड़की ना हो, गॉड प्लीज़ वो लड़की ना हो। फिर ऐसे ही एक सीनियर आती है बोलती है जल्दी चलो जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है, क्या करियो। तो ऐसे जो हमारी राधिका बोलती है हाँ हाँ मैं चल रही हूँ। फिर ऐसे ही एक जो सीनियर होती है वो उसको बोलती है जल्दी करो देर हो रहा है, हमें हमें जाना भी है, कोई आ जाएगा। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता होती है वो उस लड़की को ऐसे ही अपनी तरफ जैसे ही टर्न करती है तो वो देखती है कि वो वही लड़की होती है। वो बोलती है वो जो हमारी कविता होती है वो एकदम से शॉक हो जाती है। फिर वो बोलती कि ये लड़की है। उसके बाद एक सीनियर बोलते हैं हाँ ये लड़की है, इसको तुमने जो हम बोलेंगे वो करना होगा, तुम ये शॉर्ट्स इसको दो, बोलो कि ये पहन के हमारे सामने डांस करें, नहीं तो हम इसको छोड़ने वाले, अगर तुमने इससे ये काम करवा दिया तो तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हो। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता बोलते हाँ हाँ मैं करवा दूँगी। फिर ऐसे ही जो सीनियर होते बोलते तुम करवाओ हम आ रहे हैं, हमें कुछ काम है। वहाँ से सारी सीनियर चली जाती हैं। फिर ऐसे ही वो जो कविता होती है वो फिर ऐसे ही राधिका को उठाती बोलती है उठो उठो उठो। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका होती है वो नहीं उठते, वो कविता बहुत ज़्यादा परेशान होती है, बोलती है यार इसको क्या हो गई है, इन सीनियरों ने इसको क्या हाल कर दिया यार। उसका जब वो फेस देखती है उसके फेस पे निशान, उसके हाथों पे निशान, बहुत ज़्यादा उसके मतलब उसको टॉर्चर किया होता है इन लोगों ने। और जो हमारी कविता होती है पता नहीं उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते, बोलते यार कितना झाले में ये, इसको कितना ज़्यादा हर्ट किया हुआ है, टॉर्चर किया हुआ है यार। जो फिर जो हमारी कविता है वो भाग के पानी लेके आती है और एकदम से कवि राधिका के फेस पे मारती है। जो हमारी राधिका प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, ऐसा मेरे साथ मत करो। जो हमारी कविता से बोलते कोई नहीं है उठो उठो, क्या है तुम्हें यहाँ पे, कौन लेके आए, क्यों तुम्हें। उसके बाद जो हमारी कविता होती है वो राधिका को इस तरह बोलती है, और जो हमारी राधिका है वो तो उठ भी नहीं पा रही होती, और जो हमारी कविता होती है वो उसको ऐसे ही मतलब उठाने की कोशिश करती है, और जो हमारी कविता होती है वो हमारी राधिका को उठा लेती है, और जो हमारी राधिका है वो बहुत ज़्यादा डरी होती है, बोले प्लीज़ मुझे कुछ मत करना, प्लीज़ मुझे मत करो। उसके बाद जो हमारी कविता तो बोलती कोई नहीं है मैं हूँ, कोई कुछ नहीं करेगा, कैसे आई तुम यहाँ पे, बताओगी मुझे क्यों आई, तुम्हें कौन ले गया यहाँ पे। उसके बाद जो हमारी कवि राधिका तो कुछ प्लीज़ मेरे साथ कुछ मत करो, प्लीज़ मेरे साथ मत करो। उसके बाद जो हमारी कविता थी वो समझ जाती है कि इन लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, उसके पूरे फेस पर निशान, हाथों पे, और बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर किए होते। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता है उसको ऐसे ही दिलासा देती है, बोलते कोई नहीं है, कुछ नहीं है, प्लीज़ तुम टेंशन मत लो, तुम कहीं कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें यहाँ पे से लेने के लिए हूँ, उठो चलो। उसके बाद जो हमारी राधिका मुझे नहीं जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। उसके बाद जो हमारी कविता है वो बोलती है चुप। फिर जो हमारी कविता है ऐसे ही उसको उठाती है, जैसे रूम से बाहर लेके जाने वाली होती है एक सीनियर को, वो देख लेती है कि वो आ रही होती है बाहर से। जो हमारी कविता है वो फिर ऐसे ही जो हम राधिका होती है उसको ऐसे ही बिठा देती है, बोलती है तुम यहाँ पे बैठो और तुम कुछ मत बोलना, जस्ट तुम बैठो। उसके बाद जो हमारी कविता है वो ऐसे ही अपना फ़ोन ऑन करके रख लेती है, फ़ोन में
ऐसे ही कैमरा खोल के और रिकॉर्डिंग करने लग जाती है फ़ोन ऐसे सामने रख के। उसके बाद एक सीनियर बोलते कि इसको तुमने राज़ी किया कि नहीं, तुमसे हो पा रहा है कि नहीं, हमें बताओ। तो उसके बाद जो हमारी कविता, हाँ हम करने की कोशिश कर रही हूँ, डोंट वरी, हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, ये मेरी बात मान रही है। फिर उसके बाद जो हमारी राधिका है, वो जैसे ही सुनती है तो वो भी समझती है कि जो कविता है वो भी इनके साथ मिली हुई है, और जो हम कविता है वो भी राधिका से बदला ले रही है। जो हमारी राधिका है वो तो यही सोच रही होती है। हमारी राधिका जो है वो फिर से रोने लगती है, बोलते हैं गॉड क्या करूँ मैं, क्या करूँ। फिर जो हमारी कविता है वो ऐसे ही सीनियर को भेज देती है, भेज के अपना फ़ोन वहाँ पे रख देती है, और बोलती है कि फिर से जब राधिका के पास जाती है और राधिका उसको एकदम से दिक्कत देती है, कविता को बोलती है कि तुम भी इनके साथ मिली हुई हो, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, तुम भी इनके साथ मिली हुई हो। उसके बाद जो हमारी राधिका है वो उसको समझाने की कोशिश करती है, नहीं मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ इनसे, मैं इनका साथ नहीं दे रही हूँ। जो हमारी राधिका है वो बोलती है, नहीं तुम इनके साथ मिली हुई हो, मुझे पता है तुम इनके साथ मिली हुई हो, चली जाओ यहाँ से। फिर जो हमारी राधिका है वो कविता का यकीन नहीं कर रहे थे, और जो हमारी राधिका की बोलती है यार मैं क्या करूँ। फिर ऐसे ही जो राधिका होती है फिर ऐसे ही उसको कविता को भेज देती, बोलती चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। फिर जो हमारी कविता थी वो रूम के बाहर आ जाती, वो बोलती यार मैं क्या करूँ, मुझे कुछ सबूत कुछ प्रूफ चाहिए होंगे इन लोगों के बारे में, इस लड़कियों ने क्या हाल कर दिया इस मासूम सी लड़की का, यार इन लोगों को मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, नहीं छोड़ूंगी इन लोगों को, नहीं छोड़ने वाली मैं इन लोगों को, नहीं छोड़ने वाली। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता है वो ऐसे ही सोच रही होती है, फिर ऐसे ही सोचते सोचते वहाँ पे खड़ी हो जाती है, बोलते हैं यार क्या हल कर दे इसको। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारी राधिका है वो बहुत जल्दी जल्दी से रोने लग जाती है, बोलते हैं पापा आपने मुझे यहाँ पे क्यों भेजा पापा। फिर जो हमारी राधिका है ऐसे ही रोने लग जाती है, और जो दूसरी तरफ होती है जो हमारी कविता है वो ऐसे ही सोच होती है कि आगे वो क्या करे वो, क्योंकि जो हमारी राधिका है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कविता पे ट्रस्ट भी नहीं कर रही थी। जो कविता होती है वो बोलती है यार ये तो मुझ पे यकीन भी नहीं कर रही हो कि मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ, मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद जो हमारी कविता होती है वो ऐसे ही कुछ सोचने लग जाती है, बोलती है कि यार अब मैं आगे क्या करूँ, ये सब कुछ तो कर लिया, अभी मैं क्या करूँ, मुझे सबके लिए प्रूफ जमा करना पड़ेगा। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता होती है फिर ऐसे ही सोचने लग जाती है, और एक सीनियर आती है बोलती है कि तुमसे काम हुआ कि नहीं हुआ है, वो बोलती है हाँ हाँ हो रहा है मैं कर रही हूँ ना। फिर जो हमारी कविता है जो जैसे ही सीनियर को देखती है उनको उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, बहुत ज़्यादा। तो वो बोलते हैं फिर एक और सीनियर बोलते हैं क्या कि नहीं काम, वो बोले कर रही हूँ ना मैं। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता होती है उसको बहुत गुस्सा आ जाती है, फिर वो खुद एक सीनियर बोलते क्या हुआ है तुम्हें, तुम क्यों इस तरह बात कर रही हो। फिर जो हमारी कविता है बोलते सॉरी 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 सॉरी। फिर जो हमारी कविता होती है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है उन सीनियर पे बहुत ज़्यादा, वो बस मन में यही सोच रही थी एक बार तुम लोगों के खिलाफ मुझे प्रूफ मिल जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर वो जो अपने नेल्स होते हैं वो ऐसे ही अपने हाथ में मतलब खुद को हट करने लग देते, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है। फिर ऐसे ही वहाँ से सीनियर चली जाती है, और जो वो रूम होता है उसको भी लॉक करके और की अपने पास लेके वो वहाँ से चली हो जाती है, जो सीनियर होते हैं वहाँ से चली जाती है। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता है बोलती है यार मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता है वो ऐसे ही छुपते छुपाते और अपने फ़ोन में मतलब कैमरा ऑन करके उन सीनियर के पीछे चली जाती है, और जहाँ पे वो सीनियर वगैरह बात कर रही होती है तो वो भी वहाँ पे छुप छुप के उनकी वीडियो बनाने लग जाती है। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता है वो ऐसे ही एक सीनियर के पास जाती है जूस लेके, और उन बोलते हैं कि जूस। फिर जो हमारी सीनियर बोलते हैं हाँ बहुत गर्मी लग रही थी ले के आओ जूस। फिर जो हमारी राधिका कविता होती है वो सबको ऐसे ही जूस पिला रही होती है, जो वो जूस होते हैं उसमें नशे वाली गोलियाँ होती हैं। फिर जो हमारी वहाँ पे जितनी भी सीनियर होती हैं वो सब ऐसे ही बेहोश हो जाती हैं, सो जाती हैं। फिर जो हमारी कविता होती है वो वहाँ से की लेके चली जाती है दोबारा से इस रूम में, और जब रूम खोलती है तो देखती है कि वो लड़की फिर से सो गई, और वो वहाँ पे जाके खड़ी हो जाती है और उसको ऐसे ही देखने लग जाती है, बोलती है यार कितना ज़्यादा टॉर्चर किया इन लोगों ने उसे, कितना ज़्यादा टॉर्चर किया इन लड़कियों को, मैं नहीं छोड़ूंगी, अगर मैंने भी इनको मैं नहीं छोड़ूंगी इनको, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, क्या हाल बना दिए इस लड़की मासूम सी का। फिर जो हमारी कविता है वो ऐसे कुछ देर तक उसको देखती रहती है, फिर उस
ऐसे ही उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। फिर वो ऐसे ही रूम से बाहर आ जाती है, रूम लॉक करके फिर जाते हैं सीनियरों के पास। सीनियर के पास जाके फिर की वहाँ पे रख के फिर अपने रूम पे आ जाती है। फिर ऐसे ही वो सोचने लगती है, यार मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इन लड़कियों का। तो सो फ्रेंड, अगर प्लीज़ अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है, प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। देखते हैं कि जो हमारी कविता है वो इन सीनियरों को सबक सिखा पाएगी कि नहीं। सो फ्रेंड प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो कमेंट करना भी मत भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच।